नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले माह मोटरसाइकिल चालक एक युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पूरे मामले में जांच के बाद पुलिस ने टवेरा चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले माह शांतिलाल नामक युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसी दौरान लवकुश चौराहे के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान शांतिलाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले को जांच में लिया था। जांच में ये बात सामने आई कि टवेरा चालक द्वारा उसे टक्कर मारी गई थी। परिजन के बयान के बाद और पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने टवेरा चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें टवेरा चालक और टवेरा वाहन की तलाश की जा रही है। हाँ, ये 7/10/2022 को मृतक शांतिलाल मोटरसाइकिल से जा रहा था लवकुश चौराहे के पास, जिसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। राजस्थान का रहने वाला है। इसकी मृत्यु दिनांक 14/10 को अरविंदो अस्पताल में हुई थी, जिस पर से मर्ग क्रमांक 197 कायम कर जांच में लिया गया था। क्योंकि मृतक राजस्थान का था, इसके परिजन राजस्थान इसको लेके चले गए थे। वापस आने पर उन्होंने कथन दिया। उनके कथन के आधार पर टवेरा क्रमांक MP09CC9989 के चालक के विरुद्ध अपराध धारा 304A का घटित होना पाए जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है।